चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की कमलनाथ सरकार ने हमेशा वादा खिलाफी की। 15 महीने तक देश का किसान भटकता रहा और राहुल गांधी कहते रहे 10 दिन में कर्ज माफ होगा, लेकिन किसी का भी कर्ज माफ नहीं किया गया। बेरोजगारी को लेकर सारंग ने कहा यह कांग्रेस के नेताओं का कार्यक्रम था। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने वचन पत्र में किए वादे को नहीं निभाया। कांग्रेस ने ना तो किसी किसान का कर्ज माफ किया, ना ही बेरोजगारों को रोजगार दिया। कांग्रेस की सरकार में कालाबाजारी करने वालों को रोजगार जरूर मिला है। जब कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता ने घूमने का अधिकार दिया था, तब वह आईफा अवार्ड करवाने में व्यस्त थे। उन्होंने सिर्फ कमरा पॉलिटिक्स की है, उनकी राजनीति गांधी परिवार के आसपास ही घूमती रहती है। सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार जाने के बाद कांग्रेस के सरकार के मंत्रियों के दिमाग का अलाइनमेंट बिगड़ गया है, ना जाने किस स्तर पर जाकर राजनीति कर रहे हैं, उसका आकलन समाज को ही करना होगा। यदि इस देश के राजनीतिक इतिहास में किसी सरकार की वादा खिलाफी की कहानी लिखी जाएगी तो उसमें अव्वल नंबर पर आएगी कमलनाथ की सरकार। चोरी और ऊपर से सीना जोरी, 15 महीने मध्य प्रदेश का किसान दर दर भटकता रहा और राहुल गांधी जी जिन्होंने हाथ उठा उठा कर कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ होगा, किसी किसान का कर्जा माफ ये कमलनाथ की सरकार ने नहीं किया। कभी गुलाबी फार्म, कभी नीला फार्म, कभी हरा फार्म, कभी पात्र की सूची, कभी अपात्र की सूची, कभी 50,000 का कर्जा, कभी 2,00,000 का कर्जा, और आखिरी में जाकर केवल और केवल सिफर जीरो। ना किसी का कर्जा माफ हुआ, ना किसान को खाद मिला, ना बीज मिला। अतिवृष्टि हुई तो कमलनाथ जी और अपने घर में जाकर सो गए। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने 15 महीने में एक भी जिले का दौरा नहीं किया, वो कांग्रेस के नेता क्या बात करेंगे। देखिए, अब तो मीडिया ने ही बता दिया कि वो बेरोजगारी वाला जो आंदोलन था वो कांग्रेस के नेताओं का स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम था। किसान को लेकर दिक्कत है तो कांग्रेस की सरकार में युवाओं को और बेरोजगारी को लेकर भी जो वादा था उसको पूरा कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। कांग्रेस ने कहा था अपने घोषणा पत्र में कि या तो हम रोजगार देंगे और रोजगार नहीं दे पाए तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। ना रोजगार मिला, ना बेरोजगारी भत्ता मिला। ये बात सही है कि कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के गुर्गों को, कालाबाजारियों को, कांग्रेस के दलालों को रोजगार जरूर मिला। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।